तो बाबा लोग क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। वैनम 3 वैनम द लास्ट डांस, भाई साहब इसका ट्रेलर आ चुका है। वो मूवी जब ये आई थी फर्स्ट टाइम पर, यानी इसका फर्स्ट पार्ट आया था, तो लोगों ने कंफ्यूजन जताया था कि यार ये बंदा विलेन है या हीरो है, जो दोनों का कॉम्बो देखने को मिल रहा है। इसमें पॉजिटिविटी भी है एक बार के लिए, लेकिन ये उसी पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिव भी प्रूव हो जाता है, क्योंकि जिस इंसानों को वो बचाने की कोशिश करता है उन्हीं इंसानों के सर को खा जाता है। तो ये सारी चीज़ें भाई बहुत कन्फ्यूज करके गई थी। लेकिन शुरुआत करने से पहले दो बातें करना चाहूँगा कि आजकल भाई साहब लेट वीडियोज आ रही हैं, बहुत कम काम कर रहा हूँ, इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि भाई YouTube की तरफ से इतना ज़्यादा बूस्टर देखने को नहीं मिल रहा है। YouTube बार बार कभी फ्रीज कर देता है, और एक तो बेतुका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मार के चैनल की ग्रोथ पहले ही डाउन थी और भी ज़्यादा डाउन करती है। दैट्स वाई कि जो मेरे कुछ करीबी लोग थे पूछ भी रहे थे कि भाई आजकल वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, और मेरे रेगुलर जो भी व्यूअर्स हैं मुझे लगा बताना चाहिए। दैट्स वाई कि आई एम शेयरिंग दिस इमोशन विथ यू। बाकी ठीक है, जब तक रहेगा काम करते रहेंगे, जिस दिन टूट गया टूट जाएंगे, फिलहाल अभी तो काम करने का मन है। हाँ, उतना ज़्यादा फुर्ती नहीं है वगैरह वगैरह। बाकी इस बात करते हैं भाई साहब वैनम 3 के बारे में। ट्रेलर निकल चुका है, ट्रेलर बहुत धांसू है। ये एक मार्वल के अलावा, जो मार्वल सुपर हीरोज बनाया करता था, मार्वल के अलावा सोनी का ये वो काम है जो भाई बहुत चर्चे में रहता है ऑलवेज, क्योंकि वैनम फर्स्ट और वैनम सेकेंड को जिस हिसाब से प्यार मिला है भाई साहब, सेकेंड टाइम पे यानी वैनम सेकेंड पार्ट पर देखने को लग ही रहा था कि वैनम का दी एंड हो चुका है, लेकिन भाई वहाँ नहीं हुआ था। वैनम का दी एंड यहाँ पर होने वाला है, जो ट्रेलर से एक हिंट तो दे दिया है कि भाई साहब वैनम का ये थर्ड पार्ट जो है आखिरी होने वाला है। और लिटरली सुपर हीरोज की मूवी में अगर मैं बताऊँ तो वैनम मेरी लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में सिक्योर थी, जिसके लिए मैं वेट करता था, क्योंकि फालतू की बकैती भी यही करता है। डेडपूल के अलावा जो एक नेगेटिविटी इसमें भी देखने को मिलती है, जो बकैतियाँ इसमें देखने को मिलती है, वो वैनम में है। और एडी जो इसका कैरेक्टर है मेन हीरो, और जो वैनम के साथ एसोसिएट करता है भाई, वो दमदार देखने को, उनकी केमिस्ट्री दमदार देखने को मिली थी, और इस टाइम पर केमिस्ट्री और भी ज़्यादा देखने को मिली है, खासकर वो ट्रेलर में जब एक टाइम पर ऐसा आता है जो चारों विलेन को उठा के सामने रखता है और एक एक करके उनके हेड्स को खाता है, और वहाँ पर वो एक जुगोली करते हैं सिंक करने की, लिप सिंक करने की, जो कई बार हमने टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम में भी देखा है लिप सिंक वाला मामला, तो वो फन पार्ट था। बाकी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। बाकी अगर लिखाई की बात करें भाई साहब, वैनम अपनी लिखाई के लिए ही जाना जाता है, यानी इस पे जो स्टोरी है भाई वो दमदार है हमेशा से। फर्स्ट पार्ट भी दमदार था, सेकंड पार्ट भी दमदार था, तो ऐसा कुछ नहीं था कि खींची खींची, भाई कौन मास्टरमाइंड होगा जो दमदार लिखता है। बाकी वेट है अक्टूबर का, क्योंकि अक्टूबर में ये मूवी आ जानी है, और हम तो हिंदी डब में ही देखेंगे। बाकी कौन कौन इस मूवी के लिए वेट कर रहा था नीचे कमेंट बॉक्स, और अपना एक्साइटमेंट जरूर शेयर करके जाना। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किस किसने देख लिया जरूर बता के जाना, ट्रेलर किस किसने देख लिया जरूर बता के जाना, क्योंकि ट्रेलर बहुत बहुत प्रॉमिसिंग है। और एंट्री होने वाली है कुछ और सिम्बोइड्स की, जहां फिर से वैनम आया है, और वैनम कहता भी है कि मेरे दुनिया वालों ने मुझे ढूंढ लिया है और हमारी अब लगने वाली है। और यहाँ पर एक आर्मी अलग से भी देखने को मिल रही है, 6 लोगों की टुकड़ी जो बिल्कुल वेल मैनर्ड डिसिप्लिन तरीके से लेते नजर आने, पहले वैनम की, देन उसके बाद वो पृथ्वी की रक्षा करेंगे वैनम के साथ, हो सकता है, क्योंकि वैनम पृथ्वी की रक्षा करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे एडी तो चाहिए ही चाहिए, एडी जैसा होस्ट और कोई है भी नहीं उसके पास। बाकी यहाँ तक खत्म करते हैं, और ट्रेलर दमदार था, नहीं देखा तो जाके जरूर देखना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद।